गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैंने आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 1A.3 का कंप्लीट करा दी थी, ठीक है। अब अपन आते हैं एक्सरसाइज 1A.4 पर। इसमें अपन को क्या फाइंड करना है, यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। ये अपन को गिवन जो सेट दी हुए हैं इसका क्या फाइंड करना है अपन को, यूनियन, ठीक है। तो अपन यूनियन कैसे फाइंड करेंगे और क्या होता है यूनियन, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको समझेंगे, यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय यूनियन ऑफ सेट, तो देखें आप, यदि आप लोगों को एक सेट दिया हुआ है 1, 2 और 3, ठीक है, एंड सेकंड सेट दिया हुआ है 3, 4 एंड 5, ठीक है। आप समझते हैं यूनियन ऑफ सेट्स मतलब दो सेट को एक साथ लिखना यूनियन में, लेकिन कोई भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर ये सेम एलिमेंट इसमें और सेम एलिमेंट इसमें है तो वो एलिमेंट क्या नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर रिपीट होता है तो उसको अपन वन टाइम लिखेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को अपन कंबाइन करके रखते हैं, उसे क्या कहते हैं, यूनियन सेट, ठीक है। दोनों सेट को अपन कंबाइन करके लिखेंगे तो ए, और यूनियन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाली साइन से, ठीक है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू, अब इनको कंबाइन करके रखना है लेकिन कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, तो 1, 2 और 3 ए सेट के पूरे एलिमेंट लिख देंगे। अब आते हैं सेट बी पर, तो सेट बी में तो वो 3 आ चुका है, तो मैंने क्या बताया था, जो कॉमन एलिमेंट होता है उसको वन टाइम लिखा जाता है, 4 और 5, ठीक है। ये मैंने आप लोगों के लिए एग्जांपल देके समझाया। और जितने भी एलिमेंट इसमें हैं वो किससे बिलोंग्स करते हैं, सेट ए एंड सेट बी दोनों से क्या करते हैं, वो बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ए यूनियन बी। अब आते हैं अपन एक्सरसाइज 1A.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, इफ एक्स इज इक्वल टू 135 एंड वाई इज इक्वल टू 789, फाइंड एक्स यूनियन बाय, मतलब अपन को इसको कंबाइन करके लिखना है लेकिन कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम लिखते हैं एक्स यूनियन बाय, ठीक है। तो एक्स के पूरे एलिमेंट लिख देंगे 135, ठीक है, और बाय के, बाय में क्या क्या है, 7 डबल टाइम आया क्या, नहीं, 8 और 9, ठीक है। तो ये अपना हो गया x यूनियन y। अब आते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन पर, इफ a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड b इज इक्वल टू 3, 4, 5, 6, फाइंड क्या करना है, a यूनियन b, ठीक है। तो अपन यहाँ लिखेंगे a यूनियन b, तो फर्स्ट सेट के पूरे एलिमेंट लिख दिया करें 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। अब आते हैं अपन सेकंड सेट पर, तो सेकंड सेट में फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 3 ये आ चुका है, इसको नहीं राइट करेंगे, 4 भी आ चुका है, न्यू एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 5 एंड 6, तो 5, 6, तो ये अपना क्या हो गया, फाइंड ए यूनियन बी। अब इस एक्सरसाइज में आप लोगों को इसी टाइप के और भी क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए होमवर्क में करना है। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए कौन सा क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 3rd और क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3rd और क्वेश्चन नंबर 4 कराऊंगा, और क्वेश्चन नंबर 5th आप लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू।